Hey, what's up guys? स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसे दुनिया ने कभी नहीं समझा, लेकिन उसने अपने जुनून और अपनी मेहनत से सबको गलत साबित कर दिया। जिसे सबने कहा था वो ये काम कभी नहीं कर सकता, और आज हजारों लोग उसकी कंपनी में काम कर रहे हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि एक साधारण सा इंसान जो कभी किताबें बेचता था कैसे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया? तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। 1999 न्यूयॉर्क की सर्द रात, जेफ बेजोस अपने ऑफिस में थे जब उनका दोस्त आकर उनसे कहता है कि तुम मीटिंग में क्यों नहीं आए। दरअसल जेफ अपने काम में इतना डूबे थे कि उन्हें याद ही नहीं रहा। वो जल्दी से अपनी चीजें समेटते हैं और मीटिंग में पहुंचते हैं। उस समय जेफ डी.ए. शॉ कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट थे और उनका काम था नए इन्वेस्टर्स को ढूंढना ताकि कंपनी का मुनाफा बढ़ सके। मीटिंग में उनके बॉस डेविड बताते हैं कि उन्हें अपने बिजनेस को ऑनलाइन बढ़ाना चाहिए। इंटरनेट का जमाना आ चुका था और ये एक बड़ा मौका था। जेफ ने इस अवसर को बहुत गंभीरता से लिया। इंटरनेट पर रिसर्च करते हुए उन्होंने देखा कि यहाँ सालाना 300% की ग्रोथ हो रही है और ये उनके लिए चौंकाने वाला था। उन्होंने कई हफ्ते तक सोचा और एंड में उन्हें एक आईडिया आया। अगले दिन जेफ सीधा लाइब्रेरी गए। यहाँ बहुत सारी किताबें थी, लेकिन उन्होंने देखा कि लाइब्रेरी रात के 10 बजे बंद हो जाती है। और यहीं से उन्हें एक आईडिया आया, किताबों का ऑनलाइन बिजनेस, जहाँ हम भविष्य में लाखों किताबें पढ़ सकते हैं। जेफ अपने बॉस डेविड के पास गए और उन्हें बताया कि वो एक वर्चुअल बुक स्टोर बनाना चाहते हैं, लेकिन डेविड ने उनके इस आइडिया को सिरे से खारिज कर दिया और कहा, तुम वाइस प्रेसिडेंट हो, तुम्हारी 4 डिजिट में सैलरी है और तुम ये आइडिया लेकर आए हो और तुम किताबें बेचना चाहते हो, ये बहुत ही घटिया आइडिया है। जेफ निराश होकर घर पहुँचे। उनकी पत्नी मैकेंजी उनसे कहती है कि क्या हुआ, तो उन्हें सारी बातें बताते हैं और सब चीजों को सुनने के बाद उनकी पत्नी उन्हें सपोर्ट करती है और उन्हें समझाती है कि वो उनके साथ है और उन्हें अपने सपनों पर काम करना चाहिए। अगर उन्हें लगता है कि इसमें कुछ बात है तो उन्हें इसे जरूर आजमाना चाहिए। मैकेंजी के ऐसे शब्दों ने जेफ को नई हिम्मत दी और जेफ ने आखिरकार अपनी जॉब छोड़ दी और अपने आइडिया पर काम करना शुरू किया। उस दिन से वो अपने इन्वेस्टर को फोन करके उनसे बात करना शुरू कर देते हैं और वो उन्हें बताते हैं कि अगर वो सक्सेसफुल होते हैं तो वो उन्हें दुगना पैसा देंगे। लेकिन 7 इन्वेस्टर्स में से सिर्फ 2 ने ही उन्हें पैसा दिया और ये सब मिलके भी कम पड़ रहे होते हैं, लगभग $50,000, जो कि एक बहुत छोटी अमाउंट थी। इसलिए वो अपनी उम्मीद लेकर अपने पेरेंट्स के घर गए और उन्होंने उनको बताया कि मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी है क्योंकि मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, मैं ये अपने लिए करना चाहता हूँ। उनके माता पिता कुछ नहीं कहते और अपने कमरे में चले जाते हैं। अब जेफ को लगता है कि उन्होंने नौकरी छोड़कर गलती की होगी क्योंकि उनके पास उनका साथ देने वाला कोई नहीं था। इसलिए अगले दिन वो न्यूयॉर्क जाने का सोचते हैं, लेकिन फिर उनके पिता ने उन्हें रोक दिया और कहा कि वो उन पर पूरा भरोसा करते हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी भर की बचत $3,00,000 उनके हाथों में रख दी और कहा कि तुम्हें इसे सही जगह खर्च करना होगा, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। और वो ऐसा सपोर्ट देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। जेफ और उनकी पत्नी वॉशिंगटन जाते हैं। जेफ की मुलाकात एक वेब डेवलपर से हुई। जेफ ने उन्हें बताया कि उन्हें किस तरीके की वेबसाइट चाहिए और उसमें क्या चाहिए, और उन्होंने कहा कि वो कुछ दिनों बाद एक वेबसाइट तैयार कर देंगे। उस समय वेबसाइट बनाना एक मेहनत का काम हुआ करता था क्योंकि इंटरनेट नया आया था, इसके लिए बहुत मेहनत की जरूरत पड़ती थी। फिर जेफ ने एक नया घर खरीदा जिसमें एक गैराज था क्योंकि उनके यहाँ एक ऑफिस होगा। अब उनकी टीम में नए मेंबर और शामिल हुए, दिन सभी लोग काम पर लग जाते हैं। अब कुछ दिन ये लोग ऐसे ही काम करते हैं और जेफ अपनी टीम से आइडिया शेयर करते हैं कि मैं दुनिया की सबसे बेहतरीन और आसान वेबसाइट बनाना चाहता हूँ जिसमें एक आसानी से बुक को सेल कर सकूँ। तब उनकी टीम का एक मेंबर कहता है कि ये सारा काम एक वेबसाइट नहीं कर पाएगी, वो क्रैश कर जाएगी, इसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर बनाना होगा। लेकिन वो ज्यादा मुश्किल था। उस टाइम पर ये काम सिर्फ कुछ लोग ही कर पाए थे, जैसे कि स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स। और अब जल्दी इसमें एक नया नाम और शामिल होने वाला था, जेफ बेजोस का, पर इसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए था। इसलिए वो अपने इन्वेस्टर से बात करना शुरू करते हैं और उन्हें समझाते हैं कि कैसे वो उनकी कंपनी में पैसा लगाकर प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन कोई इस आइडिया पर भरोसा करके इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं होता और अब वो परेशान हो जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद
एक आर्टिकल से पता चलता है कि मायामी में एक बुक शो होने वाला है जहां पर कई नए सारे एंटरप्रेन्योर्स आने वाले हैं और वो अपने आइडियाज को लेके आ रहे हैं और जेफ भी वहां जाने का डिसाइड करते हैं और वहां पर वो अपना आइडिया सबको सुनाते हैं तो लोग उनका मजाक बनाते हैं क्योंकि उस टाइम पर ये सब पॉसिबल नहीं था। और जब वो बाहर आए तो उनकी मुलाकात एक कंपनी के सीईओ से हुई जिसकी पूरी अमेरिका में कई सारे बुक स्टोर थे और वो एक मिलियनेयर थे। जेफ को लगता है कि वो उसके आइडिया से बहुत इम्प्रेस है पर ऐसा नहीं था। वो तो उनके मुंह पे कह देते हैं कि तुम जो सोच रहे हो बस वो एक आइडिया तक ही सीमित है, प्रैक्टिकल में ऐसा पॉसिबल नहीं है। और वो उन्हें एक बड़ी डील का ऑफर देते हैं, $1 million में वो उनका आइडिया खरीदना चाहते थे लेकिन जेफ ने इसे ठुकरा दिया और उनके साथी इस चीज पर नाराज हुए। लेकिन जेफ का लक्ष्य स्पष्ट था, वो दुनिया का सबसे बड़ा बुक स्टोर बनाना चाहते थे। और कुछ समय ऐसा ही बीत रहा था। पिता जेफ अपनी टीम के साथ अपने आइडिया पर दिन रात काम कर रहे थे और उनकी टीम में उन्हें लोग बीच में छोड़ भी देते हैं पर वो हार नहीं मानते और अपने सपने पे काम करते हैं। जेफ का विश्वास रंग लाया और आखिरकार वो दिन आता है जब वो अपनी वेबसाइट का नाम रखते हैं amazon.com। हाँ दोस्तों, वही Amazon जो आज दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन स्टोर है, उनकी वेबसाइट amazon.com लाइव हो। और पहले ही हफ्ते में उनकी किताबों की बिक्री ने सबको चौंका दिया। धीरे धीरे Amazon ने पूरी दुनिया में अपनी जगह बना ली और उन्होंने अपना बिजनेस बढ़ाया और 2022 में वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए। तो दोस्तों, अगर जेफ ने सही समय पर सही फैसला नहीं लिया होता तो शायद आज वो कहीं कंप्यूटर के सामने बैठकर किसी और के लिए काम कर रहे होते। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि मेहनत, लगन और सही फैसले हमें कहीं से भी किसी भी ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। जेफ ने इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगली बार फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।